जादुई पहेलियाँ पार्ट टू। अमन और चमन का परिवार उदयपुर नाम के गांव में रहता था। आज दोनों का स्कूल में एग्जाम था, इसीलिए दोनों जल्दी उठ गए। अम्मा देखना जरा, चमन एक बार शौचालय जा चुका है और अब जब मेरी बारी आई तो ये दोबारा घुस गया। खुद तो लेट होगा ही, मुझे भी लेट कराएगा। थोड़ा इंतजार कर लो बेटा, उसके पेट में गड़बड़ हो गई है, इसीलिए शायद दोबारा गया है। चमन जब काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो अमन ने बाल्टी में पानी भरकर दरवाजे के ऊपर से टॉयलेट में डाल दिया। चमन तुरंत ही भीगे कपड़ों के साथ बाहर निकल आया। अम्मा देखना, अमन ने क्या किया, मेरी ड्रेस गीली कर दी, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तुम्हारे पापा सोकर उठ गए हैं, प्रेस करके ड्रेस सुखवा लो। अमन ने नहा धोकर जल्दी से खाना खाया। अम्मा सब्जी में तुमने बहुत मिर्च डाल दी है। अमन घड़े में पानी लेने गया लेकिन उसे घड़े के ऊपर ग्लास नहीं मिला। जल्दी में उसने पानी पीने के लिए घड़े के अंदर अपना सिर डाल दिया। अम्मा पापा, मैं मटके से सिर नहीं निकाल पा रहा हूँ, किसी ने मेरा सिर पकड़ लिया है। अमन की माँ ने अमन को पकड़कर घड़े से बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन अमन घड़े में घुस गया। अमन को पकड़ने के चक्कर में माँ भी आधी घड़े में घुस गई। चमन और उसके पिता दौड़ते हुए आए और उन्होंने माँ को बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन वो भी घड़े के अंदर घुस गए। चारों लोग अचानक सुंदर पहाड़ों के बीच पहुँच गए। पापा ये हम कहाँ आ गए? पता नहीं बेटा, ये जगह तो विदेश जैसी लग रही है। तभी उन चारों के सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। पहेलियों की दुनिया में स्वागत है। यहाँ जीने के लिए और यहाँ से वापस घर लौटने के लिए तुम्हें बस कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर इनाम मिलेगा और गलत जवाब पर दंड। तुम्हें पार करने होंगे खतरनाक मगरमच्छों से भरा तालाब, घास के मैदान और लंबा पुल। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। अम्मा आज हमारी परीक्षा है और हम यहाँ फंस गए हैं, अगर हमने परीक्षा नहीं दी तो फेल हो जाएंगे। बेटा अभी यहाँ से निकलने की सोचो, परीक्षा भूल जाओ। बगुले उस तरफ उड़कर जा रहे हैं, तालाब वही होना चाहिए, चलो तालाब पार करने चलते हैं। चमन का परिवार तालाब किनारे पहुंचा। तालाब में ढेर सारे मगरमच्छ थे। इस तालाब को हम कैसे पार कर पाएंगे? इसमें अगर पैर भी रखा तो मगरमच्छ हमें समूचा लील जाएंगे। ये पहेलियों की दुनिया है, यहाँ पहेलियाँ ही हमारे काम आएंगी। चमन ने चिल्ला कर कहा, हमें तालाब पार करना है, हमसे पहेली पूछो। तभी एक बड़ी सी मछली तालाब के किनारे आई और उनसे बोली, मैं तुम्हारी तालाब पार कराने में मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, पहेली पूछो। खाना कभी नहीं खाता वो और ना पीता पानी, उसकी बुद्धि के आगे तो हार माने ज्ञानी। अब भला ऐसी कौन सी चीज होगी जो खाना नहीं खाती और पानी नहीं पीती फिर भी बुद्धि उसकी तेज हो? ये अमन चमन तो खूब खाते हैं। चमन और उसके पापा को भी पहेली समझ में नहीं आई लेकिन अमन समझ गया। कंप्यूटर, कंप्यूटर खाना नहीं खाता और पानी भी नहीं पीता लेकिन उसका दिमाग किसी भी इंसान से तेज होता है। बिल्कुल सही जवाब। मछली ने चारों लोगों को अपने ऊपर बैठा ला और झट से तालाब पार करा दिया। तालाब पार करते ही वो लोग घास के मैदान में पहुंच गए। उस जिन ने कहा था कि घास का मैदान खतरनाक है लेकिन इस घास के मैदान में खतरनाक तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है इस मैदान में चींटियां ही खतरनाक हैं। चींटियों ने काट काट कर चारों को परेशान कर दिया। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये चींटियां तो काट काट कर जान ही निकाल देंगी। अमन चमन के पापा ने चिल्ला कर कहा, हम मैदान पार करना चाहते हैं, हमसे पहेली पूछो। तभी एक बड़ी सी चींटी वहां आई और उनसे बोली,
मैदान की सारी चींटियां गायब हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, जल्दी पहेली पूछो। वो क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है? जो जिसका है वही देख सकता है और सिर्फ एक ही बार देख सकता है। अब भला ये कैसी अजीब सी पहेली हुई? अमन चमन और उसके पिता का दिमाग घूम गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहेली का जवाब क्या होगा। तभी अमन चमन की माँ बोल पड़ी, सपना सपना जिसका होता है सिर्फ वही देख पाता है और सिर्फ एक बार ही देख पाता है। सपने को दोबारा देखने का तो कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। पहेली का जवाब देते ही उन चारों के शरीर से चींटियां गायब हो गईं। हमने दो चीजें तो पार कर ली है, अब सिर्फ पुल बचा है, लेकिन पुल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमें थोड़ा आगे चलकर देखना चाहिए। कई घंटे चलने के बाद वो लोग एक खाई के नजदीक पहुंच गए, जिस पर एक पतला सा पुल बना हुआ था। चारों लोग पुल पार करने लगे। जब वे बीच रास्ते में पहुंच गए तो पुल पर अचानक एक हाथी आ गया। मैं तुम लोगों को तभी आगे बढ़ने दूंगा जब तुम मेरी पहेली का जवाब दोगे। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं पुल पर कूदना शुरू कर दूंगा और पुल को हिलाकर तुम्हें नीचे खाई में गिरा दूंगा। ठीक है हाथी राजा, अपनी पहेली पूछो। हाथी फरवरी महीने में जनवरी और मार्च के मुकाबले कम पानी क्यों पीता है? अमन तपाक से बोल पड़ा, क्योंकि फरवरी महीने में हाथी को कम प्यास लगती होगी। गलत जवाब। हाथी ने जोर जोर से कूदना शुरू कर दिया। पुल हिलने लगा और चारों लोग खाई में गिर पड़े। नीचे नदी बह रही थी, इसीलिए उन चारों की जान बच गई। अमन तुम्हें एकदम से नहीं बोलना चाहिए था, हाथी फरवरी में जनवरी और मार्च के मुकाबले कम पानी पीता है क्योंकि फरवरी महीने में सिर्फ 28 दिन ही होते हैं। जब कम दिन होंगे तो पानी भी तो कम ही पिएगा बुद्धू। अब हमें दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चारों लोग चढ़ाई करके दोबारा पुल पर पहुँचे। बीच पुल पर वही हाथी उन्हें दोबारा मिला। पहेली पूछो। वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं? अब भला ये कैसी पहेली है? कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हिलेगी तो जरूर। एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। सड़क, सड़क एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती। ठीक जवाब। हाथी गायब हो गया और चारों लोगों ने पुल पार कर लिया। पुल पार करते ही वो लोग अपने घर पहुंच गए। घड़ी में अब भी 7:30 ही बज रहे हैं और जब हम लोग मटके में घुसे थे तो टाइम इतना ही हो रहा था, मतलब समय बीता नहीं है। अब तुम दोनों फटाफट स्कूल जाओ और कभी भी घड़े में सिर डालकर पानी मत पीना।